नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, भाई को कमरे की खिड़की से फंदे पर झूलती मिली, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। सिरोही पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल रात को अपने क्वार्टर में सोई थी, सुबह भाई ने उसे उठाने के लिए आवाज लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इस पर उसने खिड़की से अंदर देखा तो वह फंदे से लटकी मिली। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार महिला पुलिस थाने में तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल इंदिरा मीना अपने कांस्टेबल भाई प्रकाश और भाभी के साथ पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में रहती थी। मंगलवार रात को वह अपने कमरे में सोई थी। बुधवार सुबह जब भाई प्रकाश ने उसको आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक गेट नहीं खुलने पर भाई ने खिड़की से देखा तो वह फंदे पर लटकी मिली। बहन को फंदे से लटका देख भाई जोर से रोने लगा। इस पर आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। सूचना पर पुलिस लाइन के RI भी मौके पर पहुंचे और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। महिला कांस्टेबल के सुसाइड की सूचना मिलने पर कोतवाली थाने के CI सीताराम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सूचना मिलने पर सिरोही SP ज्येष्ठा मैत्री, ASP ब्रजेश सोनी और DSP मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ASP ब्रजेश सोनी ने बताया कि महिला कांस्टेबल के आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मौके से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे किसी पर कोई शक हो। महिला कांस्टेबल के मोबाइल के कॉल की भी जांच की जाएगी ताकि कुछ जानकारी मिल सके। प्रोबेशन पर थी महिला कांस्टेबल। महिला कांस्टेबल इंदिरा मीना और उसका भाई प्रकाश प्रोबेशन पर थे। इंदिरा महिला थाने में तैनात थी जबकि भाई प्रकाश पुलिस लाइन में तैनात था। इनके पिता मनसाराम SP ऑफिस में SI हैं। बेटे की मौत के बाद पिता सदमे में हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।